बहादुरगंज पूर्व कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने तेरागाज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायत का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया, लोगों से मुलाकात कर लोगों की जनसमस्या को सुना और लोगों की समस्या समाधान करने की बात कही। बताते चले कि बहादुरगंज पूर्व विधायक तौसीफ आलम लगातार चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र का दौरा कर सुन रहे ग्रामीणों की जनसमस्या को। इसी क्रम तेरागाज प्रखंड क्षेत्र के हाड़गांव पंचायत के अलग अलग गांव का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात कर ग्रामीणों की जनसमस्या को सुना और ग्रामीणों की समस्या समाधान करने की बात कही। बहादुरगंज पूर्व कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने तेरागाज प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात कर ग्रामीणों की जनसमस्या को सुना। शराबबंदी अभियान को लेकर तेरागाज पुलिस सख्त, थाना क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चला रहे। इसी क्रम तेरागाज थाना क्षेत्र के भोरा पंचायत के रामपुर सीमा सड़क पर तेरागाज पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बताते चले कि तेरागाज भारत नेपाल सीमा के करीब रहने की वजह से तेरागाज पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले बाइक की डिक्की की तलाशी ली जा रही है, साथ ही साथ हेलमेट, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात इत्यादि का भी जाँच किया जा रहा है। बगैर हेलमेट, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस बाइक चलाने वाले पर से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। तेरागाज पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलने से बाइक चालकों में हड़कंप। नवनिर्वाचित हुए मुखिया अमित कुमार दास ने कालपिर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के साथ बैठक कर विकास कार्यों को लेकर किया चर्चा। आपको बता दें कि अमित कुमार दास ग्राम पंचायत चुनाव में मुखिया पद पर चुनाव जीता है, ऐसे में वो क्षेत्र भ्रमण करके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ग्रामीणों के संग बैठक करके विकास कार्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं अमित कुमार दास ने कालपिर पंचायत में ग्रामीणों के संग बैठक किया और विकास कार्य को लेकर चर्चा की। तेरागाज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भेलागुड़ी में पुल नहीं होने की वजह से लोगों को आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण वहां के आवागमन करते हैं चचरी पुल बनाकर। आपको बता दें कि तेरागाज प्रखंड के कालपिर पंचायत अंतर्गत भेलागुड़ी में पुल नहीं होने की वजह से लोग अपने स्तर से चचरी पुल का निर्माण करके आवागमन करने को मजबूर है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने जल्द से जल्द नदी पर पुल निर्माण की मांग की है ताकि आवागमन करने में लोगों को सुविधा मिल सके। जिला परिषद प्रतिनिधि अकमल शमसी ने तेरागाज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायत का दौरा कर ग्रामीणों के साथ बैठक कर ग्रामीणों की जनसमस्या को सुना और ग्रामीणों की समस्या समाधान करने की बात कही। लगातार क्षेत्र का दौरा कर लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की जनसमस्या को सुन रहे, साथ ही साथ लोगों की समस्या का भी समाधान कर रहे। इसी क्रम तेरागाज प्रखंड क्षेत्र के हाड़गांव पंचायत भोरा पंचायत का दौरा कर ग्रामीणों की जनसमस्या को सुना और ग्रामीणों की समस्या समाधान करने की बात कही। क्षेत्र संख्या 1 से जिला परिषद प्रतिनिधि अकमल शमसी क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुन रहे ग्रामीणों की जनसमस्या को।